हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। सो गाइज, मैं और मेरी पूरी फैमिली पहुंच चुकी है वैष्णो देवी। ये देखिए गाइज, मेरे मॉम डैड। परसों तक मेरा कोई प्लान नहीं था आने का, कल ही टिकट्स बुक करी, मैं भी रेडी हो गया। मैंने अपने सारे क्लाइंट्स को बोल दिया बाय बाय। सो गाइज, मॉर्निंग 6 बजे की हमने ट्रेन ली थी एंड 2 बजे हम यहाँ पे पहुँच चुके थे। सो आजकल ट्रेन कितनी एडवांस हो चुकी हैं, 8 आवर्स में वैष्णो देवी पहुँच गए दिल्ली से। एंड यहाँ पे आके हमने ऑटो लिया, देन फिर अपना सामान डिपॉजिट कराया। हमने कोई रेस्ट वेस्ट नहीं करी है, हम डायरेक्ट जा रहे हैं। सो गाइज, हम जा रहे हैं नए रास्ते से एंड नया रास्ता जो है वो एकदम प्लेन है। एंड यहाँ पे बस एक ही चीज़ है कि आपको ना खच्चर घोड़े ये सब नहीं मिलेंगे, एकदम प्लेन है एंड कंफर्टेबल है चलने में। अच्छा व्यू है, ऐसा लग रहा है जन्नत है। देखिए गाइज कितना ब्यूटीफुल नज़ारा है, इधर व्यू कितना अच्छा आ रहा है, लग नहीं रहा कि हम नीचे से ऊपर आए हैं वो भी वॉक करके। जय माता दी। सो गाइज, मेरे मॉम डैड पूरे एक्साइटेड हैं। पहले कोई प्लान नहीं था जाने का, यानी एकदम से लाइक मेरा दिवाली पे वर्कलोड ज़्यादा होता है, बट स्टिल एकदम से क्या हुआ, पहले मॉम डैड ने टिकट बुक करी एंड देन शाम तक मेरा भी मन हो गया एंड मैंने अपना सारा काम कंप्लीट कर लिया। एंड देखिए, सुबह की ट्रेन लेके 2:30 बजे तक हम वैष्णो देवी की चढ़ाई कर रहे हैं नए रास्ते से। सो गाइज, जो भी यहाँ आता है, एक प्रो टिप देता हूँ, नए रास्ते से आइए, सबसे बेस्ट है, एकदम प्लेन है, चलने में कोई दिक्कत नहीं है। एंड बस यहाँ पे आपको खच्चर घोड़े नहीं मिलेंगे, बट उसकी ज़रूरत ही नहीं है, आप कंफर्टेबल चढ़ जाओगे। एंड गाइज, वन मोर थिंग, आप यहाँ आ रहे हो तो जो प्रीपेड वाला जो सिम्स हैं वो नहीं चलती यहाँ पे, यहाँ पे ओनली पोस्टपेड चलते हैं। सो नो टावर्स, अच्छा है, 2 दिन के लिए शांति रहेगी एंड मज़ा आ रहा है, बाकी देखते हैं। अभी हम जा रहे हैं अर्धकुंवारी एंड 1 घंटा हो गया चलते हुए, अभी तक कोई थकावट नहीं है बट बैंड बजने वाली है पक्का। सो गाइज, बैंड बज चुकी है, अभी अर्धकुंवारी नहीं पहुँचे हैं एंड मेरी मॉम डैड और मेरी हालत फुस हो चुकी है थक गए हैं हम तीनों एंड ऐसा नहीं लग रहा कि हम बार बार एक ही जगह पे आके बैठ जा रहे हैं। देखिए मेरी मम्मी कितनी प्यारी लग रही हैं। 2 hours later. सो गाइज, यहाँ पे लंगर है एंड फ्री ऑफ कॉस्ट है एंड बहुत ही डिलीशियस होता है। एंड देखिए यहाँ पे लाइव देख सकते हैं आप, अंदर के दर्शन कर सकते हैं एंड यहाँ पे भी फाउंटेन्स का काम चल रहा है एंड जल्दी यहाँ पे फाउंटेन्स स्टार्ट हो जाएंगे। एंड देखिए, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है एंड कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, देखिए। सो गाइस, चलिए चलते हैं, लंगर खाते हैं, वैष्णो देवी का लंगर। लंगर में क्या क्या मिला है, चने की दाल, चावल एंड देसी घी का हलवा एंड ये सब एकदम फ्री है एंड एकदम टेस्टी है, तो चलिए चखते हैं। The next day. यहाँ पर इस मॉर्निंग में आपको 8 बजे आपको ये लाइक बैटरी रिक्शा मिलता है 236 का एंड आते वक्त भी, आप आते वक्त महंगा है, जाते वक्त सस्ता है। एंड बस ये कि यहाँ पर स्ट्रगल यही है कि यहाँ पर ऑटो नहीं मिलता। इतना सुंदर है वैष्णो देवी मॉर्निंग में। सो 6:30 बज चुके हैं एंड मैंने 6 बजे की लाइन लगा रखी है। सो अभी मुझे पता चला कि लाइक यहाँ पे इलेक्ट्रिक जो रिक्शा है उसकी 6 बजे से लाइन स्टार्ट होती है एंड 8 बजे वो काउंटर स्टार्ट होता है। सुबह 6 बजे से लाइन लगा हूँ मैं इलेक्ट्रिक रिक्शा के चक्कर में। ये मेरी मम्मी का सही है, नहा धो के आ गई, मुझे लाइन में लगा दिया है, बच्चे का फायदा ले रहे हैं। 15 minutes later. कितनी बड़ी खाई है देखो, कितने ऊपर आए हैं देखो। तो गाइज, हमने वैष्णो देवी की दर्शन हो गए हैं, पूरी रात लगी एंड हमने एक होटल ले लिया था, आराम किया। सुबह सुबह हमने इलेक्ट्रिक रिक्शे की हमने ले लिए टिकट्स एंड यहाँ पे बहुत बड़ी वेट थी, सुबह 6 बजे से मैं लगा हुआ था एंड मेरी मम्मी आराम से ही नहा धो के, मम्मी के मजे हैं मम्मी पापा के। एंड यहाँ पे बस ये है कि वेट बहुत करना पड़ता है, टावर वावर नहीं आते। और कैसा लगा, मज़ा आया? और क्या मजा नहीं आएगा माता के दरबार में? आप ही को मजा आया, मैं तो बोल ढो रहा हूँ। देखो गाइस, कितने बड़े बड़े इन्होंने बैग दे दिए मुझे। जय कारा वैष्णो माता दा बोल काजे दरबार की जय। सो गाइस, हम पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन अर्धकुंवारी एंड यहाँ पे
इलेक्ट्रिक रिक्शा से हम उतर चुके हैं एंड रात को तो मेरी बैंड बज गई थी, लाइक मैं 7 बजे के काउंटर पे आया था एंड पंगा क्या हुआ कि काउंटर पे पहुंचते ही टिकट्स ख़त्म एंड मुझे 10 बजे तक वेट करना पड़ा एंड उसके बाद फिर हम 10 बजे वाली से गए ऊपर। देखो मेरी मम्मी कितनी प्यारी लग रही है, हाय कर दो पापा। पापा की बैंड बजी पड़ी है, पापा का पैर जो है वो स्वेल हो चुका है बहुत ज़्यादा। सो गाइस जो जो आ रहा है वो प्लीज़ पहले ही इलेक्ट्रिक ये सब बुक करके रखें तो आपका बहुत टाइम बचेगा, लाइन में लगना पड़ेगा, डायरेक्ट आपको लाइक टिकट्स मिल जाएंगे एंड 1 महीना पहले ये सब करो। रास्ते का एक फ़ायदा है, मेरे डैड को बहुत दिक्कत हो रही थी चलने में शाम को जाते वक्त, अब उतरते वक्त देखिए सीढ़ियाँ लो आराम से कितने किलोमीटर हमारे बच गए एंड पापा को दिक्कत भी नहीं है, आराम से चल रहे हैं। हम आ गए हैं वैष्णो देवी की सबसे लंबी सीढ़ियों पे, आधा मैंने कवर कर दिया है एंड देखिए कितनी बड़ी है, ये देखिए कितनी ज़्यादा लंबी है ये। गाइस यहाँ पे दुकानें बहुत अच्छी अच्छी हैं, आप सामान खरीद सकते हैं एंड मसाज पार्लर बहुत हैं 30 रुपीज़ में, देखिए आराम से इंजॉय करिए। मज़ा आ रहा है पापा, एकदम रिलैक्स हो जाता है ना इंसान का शरीर। सो मेरी मम्मी कह रही है कि मैं नहीं कराऊंगी, आप लोग कराओ। सो गाइस बहुत मज़ा आ रहा है, 30 रुपीज़ ओनली, आराम से 15 मिनट, हाँ हाँ रिलैक्सेशन। गाइस बहुत मज़ा आया मसाज करा के, मेरी मम्मी ने नहीं कराया पता नहीं क्यों, पापा और मैंने तो मज़े लिए हैं आराम से, मात्र 30 रुपये में मसाज आराम से कराई है एंड मेरा बैग। गाइस मैं कहीं जाऊँगा और कुछ भूले ना, ऐसा हो सकता है। अभी क्या हुआ, मॉम डैड में नीचे चले गए मसाज करा के एंड मैं अपना बैग ही छोड़ाया दोबारा बैग लेने ऊपर आया हूँ। तब ब्यूटीफुल है, ऑलमोस्ट हम नीचे पहुँचने वाले हैं कटरा एंड व्यू देखिए कितना अच्छा है। सो गाइस यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी दुकानें मिल जाएंगी आपको पुराने रास्ते पे, मतलब हलचल बनी रहती है एंड यहाँ पे मसाज चेयर्स मिल जाएंगी, मसाज कराइए आराम से। तो फाइनली मॉम को मैंने कन्विंस कर लिया मसाज कराने के लिए एंड आराम से बैठ गई हैं, मज़ा आ रहा है। सो गाइस पुराने रास्ते में जाने का एक फ़ायदा हो जाता है, यहाँ पे आपको मशीन्स मिल जाती हैं, क्राउड मिल जाता है एंड दुकानें बहुत अच्छी हैं, आप कुछ सामान भी खरीद सकते हो, बोर नहीं होते। नए रास्ते में ये दिक्कत है कि वहाँ लोग बहुत कम जाते हैं एंड लाइक आप थक जाओगे, बोर हो जाओगे, बैठ जाओगे, सोडा ना पियो ऐसा हो सकता है, सोडा पिया जाए, सोडा बहुत अच्छा है, अलग अलग जगह पे अलग अलग रेट है तो देख के पिया जाए, हाँ कुछ जगह 30 है कुछ जगह 20 है। ये है बाणगंगा, यहाँ पे नहाते हैं लोग, यहाँ कहते हैं केस धोए थे माता रानी ने, यहाँ पे केस धोए थे। हाँ। तो मजा आया आज और नीचे उतर गए, मैया के दरबार गए, मजा आया, मजा तो आएगा ही। बस हम पहुँचने वाले हैं नीचे एंड बस ये लास्ट था तो मैंने सोचा आपको दिखा दिया जाए बाणगंगा भी। सो पुराने रास्ते में एक फ़ायदा है, यहाँ पे बग्गी घोड़ा मिल जाता है आपको एंड ये आपके ऊपर है कि आप लेना चाहते हो नहीं चाहते, मैं तो प्रेफर करूँगा पैदल चलना ही, बट बूढ़े बुजुर्ग नहीं चल पाते हैं तो उनके लिए हेलीकॉप्टर ले लीजिए, बग्गी ले लीजिए, घोड़ा ले लीजिए, वो आपके ऊपर है, इट्स अप टू यू। गाइस देखिए कितना ब्यूटीफुल झरना है, आई डोंट नो आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा, बहुत अच्छे अच्छे ये स्टूडियोज़ हैं जहाँ पे आप फ़ोटोज़ करा सकते हो 1 सेकंड में एंड ये रहा आपका स्नान घाट, बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे आप स्नान कर सकते हैं। सो गाइज हमारी ऑलमोस्ट यात्रा ख़त्म होने वाली है, हम नीचे पहुँचने वाले हैं बस कुछ मिनटों पे। गाइज हम आ चुके हैं कटरा, सो गाइज मैंने अपनी टिकट बुक कर दी है एंड मॉम डैड की भी हम टिकट ही बुक करा रहा हूँ पंजाब की एंड मैं जाऊँगा दिल्ली एंड वो पंजाब जाएंगे बिकॉज चैंसी अकेली है, मुझे जाना पड़ेगा एंड मॉम डैड कुछ दिन रहेंगे एंड देखिए यहाँ मार्केट कितनी अच्छी है एंड अभी मैं जा रहा हूँ ना सामान लेने जो हमने लगेज यहाँ डिपॉजिट कराया था, तो चलिए चलते हैं लेते हैं। क्लॉक रूम में एंड ये रहा मेरा लगेज, देखिए गाइज 2 बैग्स के सिर्फ 40 रुपीज़ पे किया है मैंने, तो गाइज मैंने अपना लगेज ले लिया है जो 2 बैग थे 40 रुपीज़ 24 आवर्स के लिए, इतना सस्ता और ऊपर से इतनी अच्छी सर्विस है एंड रूम भी यहीं मिल जाते हैं, जस्ट फाउंटेन के सामने है, तो चलिए चलते हैं ना प्रसाद वरसाद खरीदते हैं जो हमें बांटना है अपने फ्रेंड्स एंड इन सबको। सो आज मैं वापस जा रहा हूँ दिल्ली बिकॉज मेरी चैंसी अकेली है एंड हमने पड़ोसी के यहाँ उसको छोड़ा है, मन तो नहीं था बट क्या करें। सो मेरी मॉम डैड जा रहे हैं हिमाचल डायरेक्ट एंड मैं जाऊँगा दिल्ली, चैंसी का क्या लगना है, मेरा काम भी है बहुत ज़्यादा एंड डैड की फैक्ट्री की कुछ दिन छुट्टी है तो वहीं इन्जॉय करेंगे थोड़ा सा
रिलेटिव्स के यहाँ एंड मेरा काम ज़्यादा है, फिर भी मैं वैष्णो देवी के यहाँ आ गया। एकदम से हुआ मेरा मन, एंड कहते हैं माता रानी में बहुत शक्ति होती है, एंड मुझ जैसा ना घूमने वाला बंदा भी घूमने लग गया देखिए। एंड मुझे लगता है आधे घंटे में शॉपिंग वॉपिंग भी यहाँ डन हो जाएगी एंड फिर हम चलेंगे कटरा से घर को। एंड यहाँ शॉपिंग करते हुए सो गाइस एक बात बहुत अच्छी हुई है, यहाँ पे हर जगह पे इजीली आपको सारा प्रसाद एंड ऑल सब मिल जाएगा। सो हमारी जो टेंशन थी शॉपिंग की वो हम एक ही दुकान से कर लेंगे एंड जल्दी जल्दी मॉम डैड को पठानकोट की लाइक पंजाब की एक इनकी बस न मिस ना हो, तो जल्दी जल्दी हम शॉपिंग कर रहे हैं एंड ताकि मॉम डैड 6-7 बजे पहुँच जाएँ एंड आसानी से मासी के घर चले जाएँ। मेरी जो बस है वो 3:30 बजे की है, तो थोड़ा मैं घूमूंगा इधर एंड उसके बाद फिर मज़े करेंगे, चिल करेंगे, देन फिर मैं सुबह 4 बजे पहुँच जाऊँगा। हम आ चुके हैं बस स्टैंड पे एंड आधे घंटे में हमने शॉपिंग करी है, बिलीव करोगे, ताकि ये टाइम से दिन में पहुंच जाए, क्योंकि यहाँ से 4 घंटे लगेंगे इनको पठानकोट तक पहुंचने में, फिर मेरा कज़न आ जाएगा लेने एंड मैं सुबह 4 बजे तक पहुँच जाऊँगा।